हेलो जी गाइस, सभी को नमस्कार नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे व्लॉग वीडियो में और मेरे चैनल पे। और अगर आप मेरे डेली व्यूवर्स हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो अगर आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम लोग मौज काट रहे हैं शादी पार्टी में। यस, मेरे भैया की शादी है तो हम लोग वहाँ पे गए थे गांव। और यहाँ सुबह का टाइम, आज ही जिस हम लोग जा रहे हैं उसी दिन शादी है। तो यहाँ पे हम मम्मी नेहा तीन लोग स्कूटी से जा रहे हैं और पापा मेरे भी जाएंगे, चार लोग जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और मेरी मम्मी तो अपनी मेहंदी बढ़िया मस्त लगा के बैठी हैं। पूरा इनके हाथों पैरों में मैंने मेहंदी लगा दी थी, एकदम इनको पूरा तैयार कर दिया था। और यहाँ पे देखो मेरा सूट और मैं कैसी लग रही हूँ। सूट अच्छा लग रहा ना मेरे को, मतलब मेरे को नहीं, आप लोग को अच्छा लग रहा है? मुझको तो अच्छा लग रहा है, कलर भी मुझको प्यारा लग रहा है। तो मैं सूट ज़्यादा पहनती नहीं, लेकिन जो अच्छा लगता है वो पहन लेती हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करो यार, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करो, वीडियो को पूरा देखो। बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने शादी में। और शादी किसकी है? मेरे दादाजी लगेंगे, हाँ, क्योंकि मेरे पापा से बड़े हैं। तो मम्मी ने बोला कि वो हम लोग के दादाजी लगेंगे, उनके बेटे की शादी है तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और बहुत ही मस्ती करेंगे, मौज करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पर जो जो हुआ, पार्टी शार्टी, ढोल नगाड़े भांगड़े बारात, जितना भी हुआ, हम सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाए हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। और बहुत ही बहुत ही मस्ती की, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किया। इन्जॉयमेंट देखने के लिए आप मेरे व्लॉग का वेट करिए, पूरा व्लॉग देखिए सारा, और इसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखो रोड है गाँव तक, मतलब गाँव की साइड तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये गांव की साइड का व्यू नज़ारा आप देखिए, कैसे कैसे हैं, खेत होते हैं बहुत से आसपास, मतलब पूरा खेत हरा भरा एकदम दूर दूर तक, बहुत ही मस्त, बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है यहाँ पे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो बस आप लोग इन्जॉय करिए मेरे वीडियो को, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है गाइस? और वीडियो कैसा लगा, मैं कैसी लगी हूँ, सारी चीज़ बताना आप लोग देखना। और मेरे शॉर्ट वीडियो जाके देखो, उसमें सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं उसमें। शादी अटेंड कर रहे हैं। अभी खाना वाना खा के आराम से लेटे हैं बिस्तर पे, यहाँ पे थक गए हैं यार, इतनी दूर से आए, गाड़ी चलाते थक गए हैं। मेरा लाइनर छूट गया पूरा। मिस्टर आज़ाद वर्मा के घर आए हैं। मिस्टर आज़ाद वर्मा मेरे भैया हैं। अब चालू कर दो। हम गए राम, लेकिन उनके और आगे तो हम लोग आ गए। आने के बाद खाना वाना खाए, थोड़ा सा रेस्ट किए, उसके बाद में थोड़ा सा इधर उधर, हम क्या पहली बार गए थे दादाजी के वहाँ, पहली बार गए थे इनके घर और बहुत अच्छा लगा हमको वहाँ जाके। और जिनकी शादी है वो तीन भाई हैं और तीनों लोग बहुत ही मस्त हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। और जो बीच वाले हैं वो तो बहुत ही बड़े कॉमेडियन हैं, मतलब इतना मज़ा लगाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना कि सुन के, उनके पास बैठ के उनसे बातें करके इतना मज़ा आएगा कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो मैं तो उन्हीं की वजह से गई थी कि थोड़ा सा, मतलब जहाँ पे लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ा हंसी मजाक करने वाले और अच्छे से बोलने वाले, तो वहाँ पे अच्छा लगता है। तो हम लोग गए थे, बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, मज़े किए। और वो तो यहाँ थोड़ा सा बिज़ी हैं आज, भाई उनके भाई की शादी है तो
बिजी हैं इसलिए ज़्यादा हम लोग से बातचीत नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं बस। और यहाँ पे हम लोग आंगन, यहाँ पे मंडप सज रहा है, मतलब मंडप ही तो बोलेंगे इसको। तो पूरा आंगन देखो कितने अच्छे से, भैया बहुत सारा सामान लेके आए थे, बहुत सारा डेकोरेशन का सामान था, मतलब पूरा ये जो बीच बीच में लगे हैं, नीचे कितने सारे बैलून्स पड़े हुए हैं, मतलब आधा पहले से ही सब लगा था, सजा हुआ था, उसके बाद में थोड़ा बहुत सामान और लेके आया था, तो जितना भी सामान लेके आया था सब लगाना था। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आप लोग देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है आंगन। तो बस इस ब्लॉग को इतना ही इंजॉय करिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ, मतलब ये दिन का समय है, अभी शाम को बारात जाएगी, तो वहाँ पर तैयार व्यार होना है, मतलब मस्त तैयार हुए पार्टी शार्टी की, और वहाँ पे इंजॉय किया। इतनी सर्दी थी ठंडी में, इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी होता है, शादी पार्टी होती है उसमें इंजॉय करते हैं लोग, उसमें तबीयत नहीं देखते हैं, बाद में ख़राब होती होने दो, कोई बात नहीं, शादी तो एक बार होनी है कि नहीं। तो बस आप लोग मेरी वीडियो को इंजॉय करिए और देखिए। Bye.